हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल याद और टीच बस्ती पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी कंपनी है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने अपने यूजर्स को लेकर एक अलर्ट जारी किया है या अलर्ट क्या है, इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसलिए वीडियो दोस्तों बी जो कंपनी है यानी वोडाफोन आइडिया की, उन्होंने अपने यूजर्स को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट बहुत बड़ा अलर्ट है। इस अलर्ट में क्या हो रहा है, कुछ लोग जो वी के यूजर्स हैं उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उनकी KYC को लीक कर रहे हैं, यानी कि डाटा को लीक कर रहे हैं। वो खुद को वी का प्रतिनिधि बताकर अपने क्या कर रहे हैं, वो डाटा को क्या कर रहे हैं, चुरा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और अगर कोई कस्टमर ऐसा नहीं करता है तो वो उन्हें धमका रहे हैं कि आपका सिम ब्लॉक कर दिया जाएगा यदि आप एक KYC नहीं पूरा कर रहे हैं। जबकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं बताया गया है कि ये KYC पूरा कीजिए। तो सो दोस्तों, मैं चलता हूँ आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो सो दोस्तों, देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यह TV9 भारतवर्ष न्यूज़ की तरफ से यह मेरे फोन पर न्यूज आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सावधान, वोडाफोन आइडिया ने अपने 27 करोड़ यूजर्स को दी चेतावनी, जिए और एयरटेल यूजर भी हो जाएं सतर्क। उन्होंने बताया है, वोडाफोन आइडिया वी ने अपने 27 करोड़ यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से बचकर रहने के लिए कहा है। ये फ्रॉड स्टर्स नो योर कस्टमर KYC के जरिए यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। वी के वार्निंग एयरटेल के साइबर फ्रॉड को लेकर जारी किया एडवाइजरी के बाद आई है। और भी दिखा दूं आपको, वी ने अपनी पब्लिक एडवाइजरी में यूजर्स को अलर्ट करते हुए बताया कि स्कैमर सब्सक्राइबर्स को टारगेट कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ वोडाफोन आइडिया ग्राहकों को अननोन नंबर से SMS और कॉल आ रहे हैं और उन्होंने अपना KYC तुरंत अपडेट करने के लिए कह रहे हैं। ये फ्रॉड स्टर्स खुद को अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि बता रहे हैं, बताकर यूजर्स को KYC ना करने पर सिम ब्लॉक करने की धमकी देते हैं। इसके साथ यह वेरिफिकेशन के नाम पर यूजर्स को गोपनीय जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, पर्सनल डाटा भी हासिल कर लेते हैं। ई KYC करने वाले इन फर्जी मैसेज में यूजर्स को किसी स्पेसिफिक नंबर पर कॉल कर अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहा जाता है। ऐसा ना करने पर उनके सिम को बंद करने की धमकी दी जाती है। इस मैसेज में लिखा होता है कि प्रिय ग्राहक, आपका वोडाफोन सिम के लिए KYC पेंडिंग है, वोडाफोन हेल्पलाइन नंबर इतना पर तुरंत कॉल करें, आपका मोबाइल नंबर 24 घंटे में बंद हो जाएगा यदि आप KYC नहीं पूरा करते हैं। तो सो दोस्तों, यह जो KYC भरने की बात की जा रही है यह बिल्कुल भी फ्रॉड है। आप इन सब चीज़ों से बचें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो सो दोस्तों, आज का यह नॉलेज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।